नमस्ते, आज हम बात करने वाले हैं कि क्या रेमेडीज इतनी ज्यादा पावरफुल हैं कि आप कुछ करो ही मत, बस रेमेडीज करते रहो तो काम चल जाएगा। क्या है आखिर रेमेडीज का सच, क्या है आखिर ओकल्ट का सच, और ओकल्ट कहाँ स्टैंड करता है लाइफ के अंदर, क्या इस प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जहाँ पे सब कुछ प्रैक्टिकली चलता है, सब कुछ, अगर आपके घर पे कोई आता है और छोटा मोटा नल भी ठीक करता है तो क्या आप उसको ब्लेसिंग देके काम चला लोगे, मेडिटेशन करवा के काम चला लोगे, या पैसे ही देने पड़ेंगे? और ये सारी चीजें आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। क्या है एग्जैक्टली ओकल्ट का रोल इस वर्ल्ड के अंदर, और कैसे ओकल्ट आपकी लाइफ तो बेहतरी कर सकता है बट ओकल्ट से कुछ ऊपर भी ऐसी चीजें हैं जो कि आपकी लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग अमेजिंग वीडियो को जिसमें सारे मिथ बस्ट किए जाएंगे और कैसे आपको लाइफ में आगे बढ़ना है वो भी सीखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि लाइफ के अंदर जो पहला पैरामीटर है जो कि बहुत ज्यादा काम करता है वो है हार्ड वर्क, यानी कि मेहनत विद स्मार्ट वर्क। तो सबसे पहली चीज जो कि हम बिल्कुल डंके की चोट पे प्रमोट करना चाहेंगे वो है हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क। अगर आप एक मेहनती व्यक्ति नहीं हो, अगर आप एक स्मार्ट वर्कर नहीं हो, अगर आपके अंदर परसिस्टेंस नहीं है, मेहनत करने की एबिलिटी नहीं है, एक्शन टेकिंग नहीं है, कुछ अलग स्किल आपने नहीं सीखी हुई, हाथ का हुनर आपके पास नहीं है, कुछ ऐसा नहीं जानते जो उठ के आप कुछ कर पाओ लाइफ के अंदर, जिसके लिए आप उठने के लिए प्रोत्साहित हो, पैशनेट हो, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो हार्ड वर्क के साथ आपको स्मार्ट वर्क भी चाहिए, परसिस्टेंस भी चाहिए, करेज भी चाहिए, और हाथ का हुनर भी चाहिए। तो ओकल्ट से पहले ये सारी चीजें आती हैं जो आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ये बहुत 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 अमेजिंग चीज है जो कि आपको सबको ध्यान रखनी है। हम एक कर्म प्रधान कंट्री है और कर्म प्रधान वर्ल्ड है, तो आप सब लोगों को कर्म प्रधान बनना है। सिर्फ ओकल्ट के भरोसे जिंदा आप नहीं रह सकते। मेहनत सबसे बड़ी चीज है, हाथ का हुनर सबसे बड़ी चीज है, स्किल सबसे बड़ी चीज है। ये पहला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये है कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन, यानी कि जो आप अंदर से होते हो वही बाहर आप जो है वो मैनिफेस्ट कर लेते हो। अगर आप अंदर से एक नेगेटिव व्यक्ति हो तो आप जितनी भी चीजें आसपास देखोगे आपको नेगेटिव दिखेंगी। और आपने भी आसपास ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जो कि हर बात पे बस नेगेटिविटी ढूंढते हैं, उनको और कुछ नहीं आता, बस वो नेगेटिविटी ढूंढते रहते हैं क्योंकि उनके अंदर वही चल रहा है, इसलिए वो बाहर कहीं मैजिक देख ही नहीं पा रहे। सो मैजिक स्टार्ट्स विद इन योर सेल्फ, आपके अंदर से ही तो मैजिक स्टार्ट होगा। सो एक आपको मैं इसमें छोटी सी घटना बताता हूँ। एक बार की बात है कि एक व्यक्ति अपना पूरा सामान लेके अपनी फैमिली के साथ एक गांव के अंदर जा रहा था। जब वो गांव के अंदर जाता है तो वहां पे वो बिल्कुल जब चौक पे पहुंचता है वहां पे एक उसको बुजुर्ग दिखता है। तो बुजुर्ग से पूछता है कि बाबा ये गांव कैसा है, क्या मैं इस गांव में जा सकता हूँ? तो बाबा ने बोला कि गांव कैसा है वो मैं तेरे को बाद में बताऊंगा, पहले तू ये बता कि जहां से तू आया है वो जगह कैसी थी। उसने बोला वो जगह तो बहुत ही ज्यादा गंदी थी, वहां तो मैं रहना ना चाहूं, वहां पे तो मैं रहना चाहता ही नहीं था, बिल्कुल भी रहना नहीं चाहता था। आज मौका मिल गया, मैं वहां से चल के आ गया, मैं बिल्कुल नहीं रहना चाहता था, वहां तो सारे लोग एक नंबर के कूड़े थे। तो जब उसने बाबा ने बात सुनी, बाबा ने बोला फिर यहाँ पे भी ऐसे ही है, तो तू मत आ इस गांव के अंदर, तू जा दूसरे गांव में, यहाँ पे भी लोग ऐसे ही हैं, कूड़े ही हैं, यहाँ पे मत आ, यहाँ पे भी लोग ऐसे ही हैं। वो चला गया। फिर एक और व्यक्ति आता है, वो भी अपनी बैलगाड़ी के ऊपर आता है, सारा सामान लेके अपनी फैमिली के साथ आता है, और वो पूछता है बाबा ये गांव कैसा है, मैं यहाँ पे पलायन करना चाहता हूँ, यहाँ पे रहना चाहता हूँ। तो उस बाबा ने पूछा जहां से तू आया वो जगह कैसी थी? तो वो इंसान बोलता वो जगह तो बहुत अच्छी थी, वहां तो सारे गांव आदमी थे, सब लोग अच्छे थे, बहुत कुछ अच्छा था वहां पे, मैं तो वहां जगह को कभी ना छोड़ता, वहां तो सूखा पड़ गया इसलिए मुझे छोड़ना पड़ा। तो जब बाबा ने ये बात सुनी तो बाबा ने बोला आओ आपका स्वागत है, इस गांव में आओ और इस गांव में आके इस गांव की शोभा बढ़ाओ, यहां पे भी सभी लोग जो है वो बहुत अच्छे हैं। तो जो भी आप देखना चाहते हो वो चश्मा पहन सकते हो, और आपको लोगों को पकड़ पकड़ के बदलने की जरूरत नहीं है, बस अपने चश्मे को चेंज करने की जरूरत है। तो सेकंड चीज लॉ ऑफ वाइब्रेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसा आप होते हो वैसा यूनिवर्स बोलता है तथास्तु। सो बाहर का आईना अंदर के आईने का प्रतीक है, जो भी आप अंदर से होगे बाहर आप वही चीजें देखते रहोगे, वही चश्मा आपके ऊपर चढ़ा रहेगा। इसलिए ऐसा देखा गया कि एक व्यक्ति एक रिलेशनशिप में परेशान था, जैसे ही वो दूसरे रिलेशनशिप में गया वहां पे भी उसको वैसा ही पैटर्न मिलने लग गया, क्योंकि वहां पे भी जो है उसने वही चीज जो है वो अट्रैक्ट कर ली। दिस इज कॉल्ड एज अ लॉ ऑफ वाइब्रेशन। इसलिए मेडिटेशन जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। सो तीसरी चीज जो कि इन सब के ऊपर काम करती है बट हमने तीसरे पे रखा था ताकि आप समझ पाओ, वो है परमात्मीयता, वो है आत्मीयता, वो है स्पिरिचुअलिटी, वो है डिविनिटी, जो कि सबसे 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 ऊपर काम करती है। डिविनिटी यानी कि सबसे ऊंचा जो है वो परमात्मा का नाम है। सो पहले हमने डिस्कशन किया हार्ड वर्क के बारे में, स्मार्ट वर्क के बारे में, परसिस्टेंस के बारे में, करेज के बारे में, स्ट्रीट स्मार्टनेस के बारे में, स्किल के बारे में। ये सब फर्स्ट नंबर पे आता है हार्ड वर्क के साथ साथ, खाली मेहनती होने से भी काम नहीं चलता। दूसरा हमने डिस्कशन किया लॉ ऑफ वाइब्रेशन, कि आप अंदर से कैसे हो। अगर आप हर टाइम कहते रहोगे मेरा बॉस खराब है तो ठीक है, फिर वो खराब है, फिर आप कहीं पे भी जाओ आपको खराब ही बंदा मिलेगा। मेरी पत्नी खराब है, नेगेटिव है, तो कहीं पे भी जाओ दूसरी मैरिज कर लो, फिर भी आपको खराब ही लोग मिलेंगे। तीसरा जो हमने डिस्कशन किया वो परमात्मा का नाम डिस्कशन किया,
स्पिरिचुअलिटी का नाम डिस्कशन किया, इनोसेंस के बारे में डिस्कशन किया। अगर आप अंदर से विनम्र हो, हम्बल हो, परमात्मा के प्रति झुकाव है, डिविनिटी के प्रति झुकाव है, हर रूप में परमात्मा के रूप को देख रहे हो, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, अगर आप इस बात को मान रहे हो कि हर रूप में मेरा परमात्मा है, सियाराम में सब जग जानी करू प्रणाम जोर जुग पानी, मैं सियाराम में सबको देखता हूं इसलिए सभी के अंदर झुक के परमात्मा को प्रणाम करता हूं, ये हमारा तीसरा सिद्धांत है। चौथा सिद्धांत आता है अब हमारा ओकल्ट की बात कर लेते हैं। तो ओकल्ट में भी ये जानना जरूरी है कि वो टाइमिंग कब होगी, वो इवेंट घटित कब होएगा। जब आपको इवेंट का समझ आ जाता है कि ये टाइम खराब चल रहा है मेरा या ये टाइम अच्छा चल रहा है, तो आप उसी हिसाब से चीजें रिएक्ट करते हो। सो इट्स नॉट ओनली अबाउट रेमेडीज, इट्स अबाउट द इवेंट प्रेडिक्शन कि कोई इवेंट घटित कब होगा। तो अगर आपको इवेंट का पता चल गया कि हाँ भाई ये दो साल मेरे ठीक नहीं है, ये साल मेरे को थोड़ा सा ऐसे रहना है, ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करनी क्योंकि मेरा टाइम ठीक नहीं चल रहा, मेरे को पैसा जाया नहीं करना, तब आप जानने लग जाते हो कि भैया टाइम ऐसा है, दो साल के बाद ठीक हो जाएगा। उसके लिए आपको अच्छा एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इन सारी विद्याओं का ज्ञान होना चाहिए, नहीं ज्ञान तो किसी से कंसल्टेशन लेंगे। तो ओकल्ट चौथे नंबर पे आता है। इसके बाद आती है रेमेडीज। अब रेमेडीज क्यों करनी चाहिए? फिर काफी लोगों ने बोला कि सर आप तो खुद रेमेडीज बता रहे हो, तो बिल्कुल बता रहे हैं रेमेडीज। तो रेमेडीज का क्या पार्ट है? मान लो कि आपकी जॉब नहीं लग रही, आपकी जॉब नहीं लग रही, आपने सब कुछ करके देख लिया। मैं आपको अपने क्लाइंट का बताता हूँ, कतर का क्लाइंट है, दुबई एंड कतर उसकी जॉब लगती रहती है, उसके पास लास्ट एक डेढ़ साल से जॉब ही नहीं है, उसकी कुंडली देखी, चलो खराब टाइम चल रहा है पता चल गया। तो हमने उसको एक रेमेडी दी, फ्लूट की रेमेडी, इसमें फ्लूट को हम हैंग कराते हैं। तो वो रेमेडी करने के बाद जो है वो उसको रिजल्ट आ गया, 2 से 3 महीने में उसकी जॉब लग गई। हमारी मुंबई की क्लाइंट है, वो मुंबई में रहते हैं, मतलब उनकी वाइफ अभी मुंबई में है, तो ये रेमेडी उनके लिए काम कर गई। एंड वो इतना रोई इतना रोई इतना रोई इतना रोई कि मेरा काम हो गया। तो कई बार क्या, मेहनत से भी काम नहीं बन रहा होता तो थोड़ा सा रेमेडी का तड़का जो है पूरी चीजें चेंज कर देता है। एक बंदा था जिसका डिवोर्स होने वाला था, हमारे बहुत अच्छा फार्मा क्लाइंट्स है, फार्मा इंडस्ट्री रन करते हैं, उनका जो है वो काम नहीं बन रहा था। तो जब हमने उनको रेमेडी करवाई, हमने उनको कुछ ऐसे स्विचवर्ड चैंट करवाए, उनको मंत्र दिए जिससे उनकी वाइब्रेशन अच्छी होगी और उनके घर का माहौल अच्छा हो गया। समझ आ रहे आप लोगों को? सो बेसिकली मैं आपको उनको रुद्राक्ष बनाए, तो मैं उनको ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई सब कुछ करके भी अगर रिजल्ट जीरो है तो क्यों ना रेमेडीज का सहारा लिया जाए, हेल्पिंग साइंस का सहारा लिया जाए, ऐसी चीजों का सहारा लिया जाए जो कि आपके जानने से ऊपर है। लेकिन पहले वही चीजें हैं, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, हाथ का हुनर, सुबह उठ के मोबाइल नहीं चलाना, मेहनत करनी है आपको। आपको जो है वो कीप ट्राइंग, कीप लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज को तराशना है, वेट नहीं करते रहना अपॉर्चुनिटी की, एक्शन टेकर बनना है। तो ये सारी चीजें जब आप कर लेते हो उसके बाद आप रेमेडीज हेल्पिंग साइंस की तरह यूज करते हो, चाहे वो घड़ी हो गई, चाहे वो स्वर विज्ञान हो गया। अब एक बात बताओ, हमने स्वर विज्ञान में बोला कि सूर्य स्वर में पैसे डालने हैं, मतलब राइट स्वर के अंदर आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, लेकिन पहले आपको उसकी नॉलेज तो होनी चाहिए ना कि कौन सा स्टॉक लगाना है, इन्वेस्टमेंट करनी है या ऑप्शंस के अंदर जाना है, ऑप्शन के अंदर भी कौन सा ट्रेड चूज करना है, कौन सी कंपनी में पैसा लगाना है, पूरा आपके पास चार्ट पढ़ना आना तो चाहिए। जब आपको चार्ट पढ़ना आता है, सब कुछ आता है, सब कुछ आपने परंगत हो, आपने विद्या ग्रहण करी है, आपको पूरी उसका नाम है, पूरी आपको पता है कि वो कैसे वो विद्या काम करती है, आपके अंदर साइकोलॉजिकली पेशेंस है, तब जाके अगर आप सूर्य स्वर का यूज करोगे तो और भी चीजें काम करेंगी। तो पहला उस चीज का हुनर, उस चीज का हार्डवर्क, उस चीज की डोमेन नॉलेज आपको होनी चाहिए। सेकंड नंबर पे आप हेल्पिंग साइंस यूज कर सकते हो। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक बंदे की डील फाइनल नहीं हो रही थी, 3 करोड़ की डील थी, सब कुछ करके देख लिया था, मेहनती था, सालों से इस फील्ड में था, सब कुछ करके देख चुका था, बट फिर भी सिरे नहीं लग रहा था काम। दो काम उसने किए, एक तो उसने हमारे कहने पे स्वर यूज किया, यानी कि जब वो डील करने क्रैक करने निकला तो घर के बाहर स्वर से निकला, एक्टिव स्वर से, वहां पे बोचा तो स्वर से किया, उस बंदे को अपनी स्वर वाली साइड बिठाया, एक्टिव स्वर वाली, उसने सारे स्वर विज्ञान के पात्र फॉलो किए, प्लस लोगो भी हमसे डिजाइन करवाया, विजिटिंग भी डिजाइन करवाया, मोबाइल नंबर भी अच्छा लिया, काम बन गया उसका। अब उसके भी चार्ट के अंदर दिख रहा था ट्रबल है, बट 3 करोड़ की डील फाइनल हो गई। मेरे पास कल ही एक बंदे का मैसेज आया, सर मेरे 4 करोड़ रुपए रिटर्न आ गए, लेकिन 1.5-2 साल लग गए आने के अंदर, क्योंकि बोला गया था कि इतना टाइम लगेगा तेरे को, रेमेडी करता रहे। तो आप टाइम भी देखो, आप पेशेंस भी रखो, आप उस फील्ड में टिके भी रहो और साथ में हेल्पिंग साइंस भी यूज भी करते रहो। एक जैसे डूबके को तिनके का सहारा होता है ना, ऐसे ही जीव को रेमेडीज का बहुत बड़ा सहारा होता है। अगर एक ऐसी रेमेडी आपको दी जाए जिससे आपके पूरे महीने का टारगेट पूरा हो जाए, तो क्यों वो रेमेडी नहीं कर लेनी चाहिए? बिल्कुल कर लेनी चाहिए। इट गिव्स एनर्जी रीसेट। जैसे साल चेंज होता है, तो साल चेंज होने पे क्या होता है, लोग साल चेंज होने पे कई बार लोगों की एनर्जी चेंज हो जाती है पूरी, क्योंकि उनकी एनर्जी रीसेट हो जाती है। मेरे को एक ध्यान है, एक व्यक्ति जो 2023 तक बहुत परेशान था, उसको रेमेडीज दी, 2024 आया, उसके पूरे साल की एनर्जी चेंज हो गई विद हार्ड वर्क विद दीस रेमेडीज। सो हार्ड वर्क जब रेमेडीज को मिलती है, यानी कि जब हार्ड वर्क लक को मिलती है, तो आपकी जिंदगी में मैजिक घटित होता है। सो जो भी लोग इस बात से एग्री कर रहे हैं कि हार्ड वर्क विद लक
gives a lot of magic, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। और ये मेरे विचार है, आप अपने विचार भी लिखिएगा, आपके विचार में कौन कौन सी चीज पहले काम करती है, कौन से सक्सेस के पैरामीटर हैं जो आपको लगते हैं बहुत काम करते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। हम सबके लिए हो सकता है कि सक्सेस पैरामीटर्स अलग अलग हो, और सक्सेस आपके लिए है क्या? किसी ने बोला सर मेरे लिए सक्सेस ये है कि मेरी हेल्थ अच्छी रहे, किसी ने बोला रिलेशनशिप अच्छा रहे, किसी ने बोला करियर अच्छा रहे, किसी ने बोला मनी अच्छा रहे, किसी ने बोला सर मैं अंदर से अच्छा फील करूं। तो आपके लिए सक्सेस के मायने क्या है? क्या आप सब सक्सेस पाके भी अंदर से हैप्पी नहीं हो? तो वो भी सक्सेस शैलो है। इसलिए ऑलवेज सेलिब्रेट योर लाइफ, चाहे आपके पास पैसा कम हो, चाहे किसी केस के अंदर नहीं आ पा रहा हो क्योंकि आपकी किस्मत में नहीं लिखा, आपके ग्रह वैसे नहीं है, आपके नंबर वैसे नहीं है, आपका नाम वैसा नहीं है, आपके लोगोस वैसे नहीं है, हो सकता है आपकी किस्मत में पैसा नहीं है, बट आप चूज कर सकते हो हैप्पी रहना। सो सक्सेस फिर भी उस पर डिपेंडेंट है आपके चार्ट पे, बट हैप्पीनेस इज अ चॉइस, हैप्पीनेस आपकी चॉइस है। अगर आज आप ये निर्णय कर लेते हो कि आपको हैप्पी रहना है, तो आपको हैप्पी रहने से कोई रोक ही नहीं सकता। सो इसकी एक एफर्मेशन है, आई एम अनकंडीशनली हैप्पी, आई एम अनकंडीशनली हैप्पी, आई एम अनकंडीशनली हैप्पी। इसके लिए मंत्र दे देता हूं, जिनको भी खुश रहना है ओम नमः शिवाय का चैंट करो, हमारा इसका मंत्र अनुष्ठान भी चल रहा है, या फिर आप इलोयम हलोरियस चैंट करो, ये भी एंग्जायटी हटाने के लिए बहुत अच्छा मंत्र है, इलोयम हलोरियस। सो ऐसे ऐसे मंत्र, ऐसी ऐसी रेमेडीज, ये समझ पाना कि हैप्पीनेस किसी चार्ट की गुलाम नहीं है, किसी न्यूमरो की गुलाम नहीं है, किसी एस्ट्रो की गुलाम नहीं है, हैप्पीनेस आपकी चॉइस है। लेकिन हाँ, अगर आप न्यूमरो और एस्ट्रो को यूज करते हो तो आपकी सक्सेस के अंदर रॉकेट लग जाते हैं, रंग लग जाते हैं। सो आप अपने हार्डवर्क को यूज करो, अपने चार्ट के साथ, अपनी रेमेडीज के साथ, अपने माइंडसेट के साथ, अपने डेली स्केड्यूल के साथ, और सक्सेस आपके कदम चूमेगी। सो इट्स नॉट ओनली अबाउट ऑकल्ट, इट्स नॉट ओनली अबाउट हार्डवर्क, इट्स अबाउट मिक्सिंग ऑल दीज थिंग्स एंड यूजिंग दीज साइंसेस टू टेक योर लाइफ टू द नेक्स्ट लेवल। सो जुड़े रहिए, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम। आगे बहुत सारी ऐसी टिप्स आपको मिलती रहेंगी, न्यूमरो की, एस्ट्रो की, रेमेडीज की, स्वर विज्ञान की, विजिटिंग कार्ड की, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी की, साइंटिफिक लोगो डिजाइन की, ये सब चीजें मिलती रहेंगी। सो जुड़े रहिए, मैं हूं अंकित बत्रा फ्रॉम बत्रा न्यूमरोलॉजी, थैंक यू, टेक केयर, बाय।